गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। अभी IPL शुरू हो गया है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें IPL के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, उसमें से मैं ऐसा बंदा हूँ जिसे कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें बहुत इंटरेस्ट होता है IPL देखने में, वो यूजुअली IPL के चक्कर में अपना काम तक छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत से लोग बेटिंग करते हैं या कुछ भी है। बट मैंने ऐसे लोग भी देखा है जो कुछ भी नहीं करते, ना बेटिंग करते ना कुछ ना कुछ, बट उन्हें यार एक्सट्रीम लेवल का जो क्रेज़ होता है IPL का वो रहता है। और दूसरा सबसे मेन चीज़ ये है कि मुझे तो सच बताऊँ तो मुझे तो इंडिया के जो प्लेयर्स है उसमें से जो एकदम गिने चुने नाम पता है उसमें से ऑफकोर्स MS धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है। बाकी तो मुझे नाम भी नहीं पता क्योंकि सच बोलूँ तो मुझे क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं है। बट हालांकि मुझे कुछ मैचेस देखने में इंटरेस्ट है, ना कि IPL देखने में। मुझे IPL में कुछ नहीं समझता क्योंकि IPL में नए लोग भी आते हैं और जो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बहुत क्रेज़ होता है देखने का, उनसे मैं जो मेरे मन में डाउट्स होते हैं मैं उनसे पूछते रहता हूँ कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो वो लोग मुझे बताते रहते हैं कि इसका मतलब ये होता है। और कुछ लोगों को तो जो प्लेयर्स होते हैं उनकी हिस्ट्री तक पता होती है कि भाई इस बंदे ने इतने रन मारा, ये यहाँ पे खेलने वाला है, ये फर्स्ट आने वाला है, ये सेकंड आने वाला है। मुझे तो ये नहीं पता होता कि दूसरे पे कौन आने वाला है, तीसरे पे कौन आने वाला है। और बंदों को सब पता होता है कि पहला बंदा ये खेलने वाला है, फिर सेकंड उसका नंबर है, तीसरा उसका नंबर है। मतलब लोग कितने ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करते चीज़ें। और अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है बस वर्ल्ड कप देखने में। जब वर्ल्ड कप होता है वो टाइम पे एक अलग करंट होता है बॉडी में कि यार वर्ल्ड कप देखना है, क्योंकि वो टाइम पे मुझे पूरा क्लियर थॉट होता है कि अगर इंडिया खेल रही है तो इंडिया रहेगी और सामने जो अपोनेंट वाली टीम है वो रहेगी, बट हमें सपोर्ट इंडिया को ही करना है क्योंकि वो टाइम पे हमें कुछ ऑप्शन नहीं होता है। IPL में दो टीम्स होती है, सारे प्लेयर इधर उधर बटे होते हैं, मतलब इंडिया की टीम के ऑलमोस्ट प्लेयर सब अलग अलग टीम में होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी टीम बनाते हैं, प्लेयर्स खरीदते हैं, टीम बनाते हैं। तो वो टाइम पे लोग इसके तरफ से उसके तरफ से किसी का होता है कि यार ये बंदा ये टीम में होना चाहिए था तो ये मैच जीत जाते हैं। बट जब वर्ल्ड कप होता है वो टाइम पे ऐसा नहीं होता है। वर्ल्ड कप में अपने बंदे अपने टीम में होते हैं, अपने कंट्री के, और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो टाइम पे तो एकदम टक्कर के मैच होते हैं और वो टाइम पे एक मज़ा होता है देखने का कि हमें पता होता है कि हमें तो सपोर्ट एक को ही करना है। तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता है, जो भी अच्छे बुरे प्लेयर हैं सब एक टीम में हैं, तो कोई टेंशन नहीं होता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है बस वर्ल्ड कप देखने में, वो टाइम पे तो एक अलग ही माहौल होता है। एकदम तुम नागपुर से हो ना, ये कैमरा है। अरे खाने तो यार तो मन आपको खाने को कौन मना कर रहा है? चोचले भाई सही नहीं है, ये सब चोचले भाई सही नहीं है, ऐसा शाहरुख भाई बोल रहा है। और क्या सुकून से आदमी खाए दे कि सब ओह माय गॉड सुकून से खाओ शाहरुख भाई, सुकून से खाओ। देखना दिखाना क्या है इसमें, किसी की नजर लगती है तो मंदिर है अपना। चलिए आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, सी या। पिज़्ज़ा खाइए। पिज़्ज़ा खाइए, थोड़ा छिड़क के उस पे ओरिगैनो और ये सब छिड़क के। सैटरडे नाइट है। कैसे सोइए? थोड़ा देर से सोइए। वैसे भी अभी मैच खत्म हो गई है तो अब आराम से सोइए।